नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर बीरेंद्र कुमार सिंह, जो कि बिहार के सबसे जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट में से एक तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डेप्यूटी डायरेक्टर भी हैं। डॉक्टर साहब से आज हम ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि बच्चों में ये फ्लू यानी कि सर्दी खांसी बुखार जो है, जो हर साल वायरल के रूप में आता है और बिहार में कई बच्चों को बीमार करता है, इसके पीछे के कारण क्या है, बचाव किस तरीके से हो सकता है और माता पिता को अपने एंड पर किन चीज़ों का खास रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, बच्चों में ये जो फ्लू की समस्या होती है, बिहार में हर साल ही लोग इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, तो बच्चों में ये जो सर्दी खांसी बुखार, ये इतनी आम चीज़ें हैं, ये इतनी घातक क्यों बन जाती हैं? बच्चों में चूँकि बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है, इसलिए कोई भी अगर बच्चे को समस्या आती है तो वो जल्दी घातक रूप ले लेता है। इसलिए सर्दी जुकाम खांसी जो बड़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, कोई समस्या नहीं पैदा करता है, लेकिन बच्चों में वो घातक हो सकता है। अगर बच्चे को सर्दी जुकाम बुखार हो या बच्चा दूध पीने में दिक्कत हो रहा हो, खांसी ज़्यादा आ रही है, तो तुरंत ही चिकित्सक से सलाह लेकर के उसका समुचित इलाज करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अक्सर ये होता है कि सर्दी खांसी और जुकाम को लेकर कोई भी अस्पताल नहीं जाता है, सब अपने आप ही कोई घरेलू उपचार के चक्कर में पड़ जाते हैं, उसी तरीके से ठीक करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में वो कौन से लक्षण हैं जिन्हें रेड फ्लैग्स की तरह देखा जाना चाहिए? ऐसे लक्षण जिन्हें देखते ही बच्चों को तुरंत ही तुरंत अस्पताल या चिकित्सक के पास ले जाया जाना चाहिए? नीम हकीम खतरे जान, तो जैसा आपने सुना ही होगा, तो ये है अपने से खुद से छोटे बच्चों में कभी भी इलाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब समस्या गंभीर रूप धारण कर लेगा ये उनको माता पिता को नहीं पता चलता, और जब तक वो अस्पताल पहुंचते हैं तब तक बच्चा काफ़ी गंभीर हो जाता है। इसीलिए किसी भी बीमारी में छोटा बच्चा में अपने से या घर में इलाज नहीं करना चाहिए। जब भी बच्चा सांस खांसी या बुखार की वजह से पीड़ित हो, अगर उसको दूध पीने में दिक्कत आ रही हो, बच्चा सो नहीं पा रहा हो या उसको सांस तेज चल रहा हो, पंजरी जैसा जिसको हम लोग कहते हैं, अगर इस समस्या से बच्चा पीड़ित हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेकर के उसका इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने खुद ही कहा कि नीम हकीम के चक्कर में लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को अपने बच्चों के साथ बीमार पड़ने के बाद गलती से भी नहीं करनी चाहिए? क्या कोई दवाइयां हैं, क्या कोई काढ़ा है या कोई घरेलू उपचार है जिससे माता पिता को हर स्थिति में परहेज करना चाहिए? अभी जो कोरोना टाइम में बहुत ही प्रचार हुआ है, काढ़ा पिलाइए, तो हर तरह का नींबू का रस दीजिए, ये सब चीज़ का तो बहुत प्रचार हुआ है, तो ये सब से बच्चे को ऐसा सुधार होने का गुंजाइश कम होता है। इसीलिए जब भी सांस की प्रॉब्लम हो या खांसी हो या बुखार आया हो, तो बच्चे को समुचित इलाज डॉक्टर से, जो सर्टिफाइड डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर सरकारी अस्पताल में काम कर रहे हैं, उनसे जाके सलाह लेकर के और इलाज करना चाहिए, खुद से या किसी RMP से जाकर के इलाज नहीं कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या ऐसी कोई चीज़ है अगर जो माँ बाप इलाज के नाम पर करें तो उनकी बच्चे की जो समस्या है, जो तकलीफ है, और ज़्यादा बढ़ सकती है? घर में बहुत लोग सेकाई करते हैं, जिसे धुआं जला करके आग से सेकाई करने लगते हैं बच्चे को, या फिर विक्स का मालिश करने लगते हैं खुद से ताकि बच्चा ठीक हो जाए, इससे और समस्या बढ़ने का डर रहता है, क्योंकि सांस का प्रॉब्लम बच्चे को ऑलरेडी रहता है और धुआँ अगर घर में और भर जाए तो उसकी वजह से समस्या और बढ़ जाती है। उसके अलावा कभी कभी ना बच्चों को दवाई जो है स्टीरॉयड लोग दे देता है, किसी डॉक्टर ने अगर प्रेस्क्राइब कर दिया है तो वो देख करके, जब सीरियस कंडीशन होता है तभी स्टीरॉयड वगैरह का समस्या दिया जाता है, प्रॉब्लम होता है तब, लेकिन उसको घर में एक बार चल गया तो लोग उस समय उस दवाई को बार बार यूज करते हैं अपने से, क्योंकि डॉक्टर साहब एक बार लिख दिए तो हम फिर इसको दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, खुद से कभी भी इलाज नहीं कराना चाहिए, हमेशा डॉक्टर की सलाह लेकर के ही इलाज करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं उन्हें आपने ठीक तरीके से सुना और समझा होगा, और ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि अगर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर ने पिछली बार जो दवाई दी थी इस बार भी वही दवाई कारगर साबित होगी। इसलिए अगर बच्चे की स्थिति थोड़ी भी बिगड़ रही है तो ये ज़रूरी है कि आप खुद से इलाज करना बंद करें और अपने चिकित्सक के पास जाकर ठीक तरीके से सलाह लें, समझे कि बीमारी क्या है और उन्हें इलाज करने दें। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें,
YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप कमेंट सेक्शन में आके हमें ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल है, और अगर आप चाहें तो अपनी समस्या हमें मेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।